जय श्री राम। आप सभी ने कभी न कभी हनुमान चालीसा का पाठ तो किया ही होगा। कुछ लोग तो हर मंगलवार या शनिवार को भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और कुछ लोग नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत अच्छा माना जाता है। कहते हैं हनुमान जी पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देवता हैं। अगर आप रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान जी आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको सभी कार्यों में सफल बनाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके भीतर कोई भय नहीं रहता है। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कुछ नियम भी बताए गए हैं, तो चलिए आज हम आपको उन नियमों के बारे में बताते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय आपको कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा आसन बिछाकर उसके ऊपर बैठकर ही करना चाहिए। बिना आसन बिछाए पूजा करना अशुभ माना गया है। बता दें कि पाठ की शुरुआत करने से पहले गणेश जी की वंदना अवश्य कर लें और प्रभु श्री राम की आराधना करें, इसके बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें। अगर आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो उसके लिए भी कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर अपने सामने रखें। प्रतिमा के सामने आसन बिछाकर बैठें, फिर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं। किसी बड़े संकट या समस्या के निदान के लिए हनुमान चालीसा शुरू करने से पहले काले तेल के तेल का दीपक जलाएं। 11 दिन तक लगातार प्रतिदिन 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। रोजाना एक ही समय पर पाठ करना अच्छा माना गया है। आप प्रतिदिन एक ही समय पर हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो एक ही आसन पर प्रतिदिन एक ही समय पर हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपकी इच्छा पूर्ति जरूर होगी। अगर आप रोजाना एक ही समय पर एक ही आसन पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके कार्य सिद्ध होने लगते हैं। आपके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का ऑरा बन जाता है। यदि आपके जीवन में लगातार धन संबंधी या अन्य परेशानियां बनी हुई हैं तो पंचमुखी हनुमान जी की आराधना बेहद शुभ फलदायी रहती है। इसलिए हर मंगलवार को किसी मंदिर में जाकर पंचमुखी हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मीठा पान चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी की कृपा से धन कार्य शत्रु जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और आपको हर तरह के भय से भी मुक्ति मिलती है। जो लोग रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो वो एक ही समय पर एक ही आसन पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपको अवश्य लाभ होगा। जिस व्यक्ति को हमेशा भय बना रहता है वह पंचमुखी हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। आप पंचमुखी हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, जिससे आपको भय से मुक्ति मिलेगी। जय श्री राम।